किधर बैठे, इधर आ जाए। ये बात और भारी हो जाएगी का, और अभी तक मैंने ये बहुत कम यूज किया है क्योंकि Hey guys, welcome back to Alexander Vlogger. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हो चुकी है सुबह, यानी कि सुबह नहीं 11 बज चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं नहा के आई हूँ। और इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह का रूटीन थोड़ा सा आज ख़राब था, डेली ख़राब ही हो रहा है। तो आज हम जाने वाले हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने ना तो तीज बनाई, ना अपना बर्थडे बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो अब मैं फालतू की टेंशन नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि टेंशन लेके वीकनेस आने लगी। जाने वाली हूँ आज मार्केट। दीक्षा मुझसे पिछले एक महीने से बोल रही है मार्केट चल, पर हिम्मत ही नहीं है, ना मैं कहीं गई अभी तक। आज जाने वाले हैं हम मार्केट। तो चलो आज मैं दीक्षा से पूछती हूँ, मैं दीक्षा तू कब से मुझे बोल रही है कि मार्केट चल, मार्केट चल, ठीक है? तो एक महीना तो हो ही गया, एक महीना हो गया, ज़्यादा हो गया तो बता नहीं सकती, पर एक महीना हो चुका है। तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो सीधा मार्केट का ही दिखाऊंगी, घर में क्या करना है, बस चेंज करना है, ये नहाने के बाद पहने, जो भी पहन के जाऊंगी वो भी दिखाऊंगी, और उसके बाद चलो बाय। तो यहाँ पे हो चुके हैं हम रेडी। तो बाहर जाके आपको दिखाते हैं, यहाँ नहीं दिखा दे, यूँ कह रही है, एक मिनट रुक जा, बाल सेट कर ले। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से। ये बाल यार कैसे हो गए मेरे, स्मूथनिंग करानी पड़ेगी। कैसे खड़े खड़े से हो रहे हैं ना, जल्दी निकलेंगे। हे गाइस, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे मार्केट। तो यहाँ पे दीक्षा बोल रही थी स्लिपर दिला दूँ तुझे, मैंने कहा तू दिला दी। तो यहाँ से हमें जाना था शॉप पे, तो मैं वही बता रही थी सामने है, तो बस चलते हैं। पहले दीक्षा ने अपने लिए यहाँ पे सूट देखे, पर उसे पसंद नहीं आए, पर एक आया उसने फिर वो ले लिया। उसके बाद मैं गई फैब्रिक की शॉप पे, क्योंकि ये मुझे यहाँ के बहुत पसंद है, ये अंकल जो देते हैं बहुत अच्छे देते हैं। ये दीक्षा इसने ले लिया सब कुछ। तो गाइस अब यहाँ से लेने आए चूड़ियाँ। चूड़ी देख मैं कौन सा कलर लेके गई थी, अच्छा है ही नहीं वो कलर, इकलौता ही रखा था। अच्छा इसके नीचे ये है, अरे पहन तो एक बार। तो गाइस यहाँ से दीक्षा लेने आई है, मैं भी पानी की बोतल पहले देखते हैं, इसे पकड़ के देखेंगे कि कैसी है ना। रुक जा भाई दे देंगे अंकल, पानी होने के बाद और भारी हो जाएगी है। कितने की है बोतल? ठंडा रहेगा पानी इसमें? गाइस हो चुकी है हमारी शॉपिंग, और दीक्षा जा रही है, हमारी नहीं सिर्फ इसकी, जिसकी हुई है। ये देखो ये दो दो थैले लेके बैठी है सूट वगैरह, मैं देखो खाली, मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। और अब हम जा रहे हैं बिगिन, जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा है, कैसा है खिलाने वाली है, हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स। तो चलो गाइस चलते हैं, और पहुँच के मिलते हैं आपको सीधा वहीं पर भी गेट पे। बाय। बच्चे थे वो मुझे ये बोल रहे थे कि मैडम बैठी होगी कोई टीचर ऐसी मेरे जैसी, ओ माय गॉड, मैं तो नहीं मेरी ऐसी सकल टीचर वाली थी। ये है बिगीज। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखिए क्या बैठा मेरे जख्म। अच्छा ना पता किधर की साइड है, मुझे पता नहीं आया। मैं तो साइंस। किधर बैठे? इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, उधर तो बिल्कुल कोने में ले आई। इतनी गर्मी में खाना, तो चलो क्या खिलाने वाली हो, जल्दी लेके आओ। गाइस अब हम यहाँ पे बैठ के करेंगे ऑर्डर, और थोड़ी सी बनाएंगे रील्स, और उसके बाद जाएंगे हम घर। या तो गाइस यहाँ पे आ चुका है मैं, जो खाना था नूडल्स वगैरह हमारे आ चुके हैं, अब हम खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, खाना भी खाया। तो गाइस आप देख सकते हैं इस भूख कड़गा कहाँ से आती है इतनी भूख। तो गाइस यहाँ पे हमने खा लिया, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस हमने खा लिया है, थोड़ा बहुत जो भी हमें अच्छा लगा वो खाया, पर अच्छा कुछ नहीं था यहाँ पे।
बस पेस्ट्री खाई है जो अच्छी लगी है थोड़ी सी, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बना हुआ है। पहली बार आई हूँ मैं नजीबाबाद में, काफ़ी टाइम से आई है। और दीक्षा गई है रिक्शा देखने, है घर 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 ना, अब घर चल रहे हैं बस यार अब ना, अब ये कहीं और घूमने का प्लान बना रही है। आ तो जाएगा यार, चल चुके हैं रिक्शा में, मिल चुके हैं रिक्शा में, हम बैठ चुके हैं। आइए देखो, ये जो बचा था वो भी पैक करा के ले आई है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ वो भी फ्रेंक ही देते हैं क्योंकि ये रहा ट्रेंड। क्यों नहीं कही यार, चली जाते हैं। गाइस तो फाइनली आ चुके हैं हम घर पे, बीच में मैंने दिखाया नहीं, बस सीधा घर पे उतरे हैं रिक्शा से मैं बैठ के। और इतनी गर्मी लग रही थी, नहा के आ गई हूँ, सारे कपड़े गीले हो गए, ओह माय गॉड, अभी नहा के आई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। जैसे कल थोड़ा सा ब्लॉग बनाना मैं भूल भी नहीं गई थी, थोड़ा सा तबीयत सी ऐसी हो रही थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ब्लॉग, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ एक चीज़, तो मैं सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ कि इस टाइम पे मैं कर क्या रही हूँ, तो आपको दिखाना ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने बहुत बार मेरे पास देखा ये बायोटिक का, और अभी तक मैंने ये बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि कभी कहीं चल जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, एक ठिकाना नहीं है मेरा, ऐसी परेशान थोड़ा। तो ये देखो, ये मैंने ये यूज़ किया है, जो मैंने वीडियो में देखा है वो यूज़ किया है, पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा अब लगातार यूज़ करूँगी क्योंकि इस टाइम पर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी इस टाइम, तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ मैं क्या यूज़ करूँ अगर मुझे अच्छा देखना। यहाँ से ये भी कम होने लगे, पर ये मेरे पहले से ही है बचपन से, पर अब थोड़े से ऐसा लग रहा है कि हाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दही के अंदर लगाऊंगी, तो दही इसमें निकाल लेती हूँ, उसके बाद ये निकाल लेंगे। तो गाइस मैं ये बता रही थी जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी मैं वो आपको बताऊँगी। एक ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ, शायद मैंने आपसे शेयर किया है किसी वीडियो में, पता नहीं है मुझे याद नहीं है, तो वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं दोनों के क्या रिजल्ट होता है। आज ऑयलिंग करने वाली थी तो मैंने सोचा आज ऑयलिंग नहीं, तो चलो ये है दही, बस स्कैल्प पे लगाना है कि लेंथ पे नहीं लगाना है। चलो एक चम्मच ले लेते हैं ये, यहाँ पे ये मैंने कर लिया है रेडी। तो अच्छा मैंने और दही थोड़ी सी डाली थी, वो मिक्स नहीं कर रही थी, एक टॉवल मैंने डाल लिया, कभी कपड़ों पर गिर जाए। वैसे कपड़े मेरे गंदे ही हैं, नहाना तो भाई टॉवल क्यों गंदी करो, धुल लिए। हे गाइस तो नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है हेयर वॉश मैंने कर लिए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं सब, यानी कंडीशनर वगैरह शैम्पू वगैरह मैंने सब किया है इसके बाद। तो गाइस चलो इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना, पर छोटा ब्लॉग है बड़ा ब्लॉग है अभी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ मैंने कल क्या क्या शूट किया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं पर, और कल के कपड़े पहन के आई गंदे करने थे, एक बार और पहन के धुल लेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।